नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज जेन ऑस्टन एज अ मॉडलिस्ट, कि क्या जेन ऑस्टन जो है वो मॉडलिस्ट है? अच्छा, मॉडलिस्ट ऐसा एक ऐसे इंसान को कहते हैं जो मोरालिटी को प्रमोट करता है और टुवर्ड्स इंसान को रियलिस्टिक एक अप्रोच देता है कि इंसान को किस तरीके से रिएक्ट करना है इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस या डिफरेंट एनवायरनमेंट. हमारे जो एटीट्यूड्स होते हैं, हमारे जो रिएक्शंस होते हैं, एक्चुअली वो बेस करते हैं उस एनवायरनमेंट के ऊपर जिसके अंदर हम रह रहे होते हैं, या उस एनवायरनमेंट के अंदर जिसके अंदर हम एंट्रैप हो जाते हैं. हम कभी भी किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसने इस एनवायरनमेंट के अंदर ऐसे कर दिया था. एक्चुअली एक एनवायरनमेंट का एक इंसान की ज़ात के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है और वो उस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत डिफरेंटली बिहेव करता है. ठीक है, हो सकता है कि वो एनवायरनमेंट उसके ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो जाए कि जो है वो नेगेटिवली बिहेव करना शुरू कर दे. हो सकता है कि उस एनवायरनमेंट के अंदर उसकी इतनी पॉजिटिव अप्रोच हो कि वो अपनी सारी नेगेटिविटी को ओवरकम कर जाए. दो ही तरीके हो सकते हैं, या एनवायरनमेंट उस बंदे पे हावी हो जाएगा या वो एनवायरनमेंट पे हावी हो जाएगा. इस चीज़ को अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को मॉरलिस्ट की, और मॉरलिस्ट का आज के दौर में जो दूसरा नाम है वो है मोटिवेशनल स्पीकर्स. एट दैट टाइम नॉवल्स लिखे जाते थे तो मॉरलिस्ट, इन लोगों को मॉरलिस्ट कहा जाता था कि ये मोरालिटी को प्रमोट करते हैं, कोई मॉरल लेसन देते हैं, तो ये सारी चीज़ें. अब यहाँ पे देखें, अगर जेन ऑस्टन की बात आए ना, तो जेन ऑस्टन के दो मेन क्वेश्चन आते हैं. एक तो जेन ऑस्टन एज अ मोरलिस्ट, और दूसरा है उसकी जो लिमिटेड अप्रोच है ना उसके बारे में एक क्वेश्चन आता होता है. पहले हम मोरलिस्ट कर लेते हैं, जेन ऑस्टन एज अ मोरलिस्ट. Jane Austen's view of life is the view of 18th century civilization, of which she was the last exquisite blossom. One might call it the moral realistic view. Jane Austen was profoundly moral, elaborate. ये David Sicily ने कहा है Jane Austen के. अब देखिए, आप अगर आपने कोर्स ही चाहिए ना, आपके पास पास्ट पेपर्स होंगे. पास्ट पेपर्स के अंदर अक्सर कोई ना कोई कोट आई हुई होती है और वो कहते हैं इस कोट को आप जस्टिफाई करते हैं, यानी कि किसी और क्रिटिक की कोट होती है जो कि जो जैसे फॉर एग्जांपल जेन ऑस्टन के बारे में आपको कई क्रिटिक की कोट्स जो हैं पास्ट पेपर्स में मिल जाएंगी, और जो कि उन्होंने लिखा होगा कि आपने जेन ऑस्टन के बारे में जो इसने ये कोट कही है इसको आप एलिबरेट करें कि वाकई ये सही है या नहीं है, या उसका कहने का व्यू पॉइंट ठीक है या नहीं है. डेविड सिसिली का ये कहना है कि जेन ऑस्टन व्यू ऑफ लाइफ जो है is the view of 18th century civilization. उसका view of life क्या है? वो view of 18th century civilization है, of which she was the last exquisite blossom. जिसमें वो आखिरी exquisite blossom थी. One might call it the moral realistic view. एक इंसान इसको moral realistic view भी कह सकता है. और Jane Austen जो है वो profoundly क्या थी? Moral. Pride and Prejudice is a serious comedy in which the incidents, situations, dialogues and character imply something beyond what they seem to suggest. Jane Austen was greatly inspired by the 18th century moralist, so she was bound to produce the novels with a serious purpose in mind. Yet it should not make us believe that she was a direct preacher. Ab yahan pe dekha jaye to usne ye jo novel लिखा है, उसने जितने भी नॉवल प्रोड्यूस किए हैं वो एक्चुअली उसके दिमाग में कोई सीरियस पर्पस था जो कि उसके माइंड में था. एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी किससे? 18th सेंचुरी मॉरलिस्ट से. तो इस वजह से वो बाउंड थी कि वो प्रोड्यूस करे ऐसे नॉवल्स को जो कि सीरियस पर्पस ऑफ माइंड के साथ था. येट इट शुड नॉट मेक अस बिलीव दैट शी वॉज डायरेक्ट प्रीचर. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें ये लगे कि वो कोई डायरेक्ट प्रीचर है. शी वॉज नॉट एन अवॉर्ड मॉरलिस्ट टू. इनफैक्ट शी डिस्पाइज द डायरेक्ट मैथड ऑफ मॉरलाइजिंग. और इनफैक्ट वो जो है डिस्पाइज करती है डायरेक्ट मैथड ऑफ मॉरलाइजिंग. शी हैड द 18th सेंचुरी मॉरल विजन. उसका 18th सेंचुरी मॉरल विजन है growth of individual's moral personality on the basis of 18th century moral ideals was her concern.
और ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल मॉडल पर्सनैलिटी जो है ऑन द बेसिस ऑफ 18th सेंचुरी मॉरल आइडियल्स वो उसका कंसर्न था. सेल्फ एनलाइटमेंट जिसको हम सेल्फ ग्रूमिंग भी कहते हैं, ठीक है, वो जो है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स था और कैरेक्टरिस्टिक था उसके नॉवेल्स का. ठीक है, सबसे पहले वो क्या करती है, देखिए ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल मॉरल पर्सनैलिटी, एक उसका मॉरल विजन था और वो जो है एक ग्रोथ की बात करती थी ऑफ मॉरल इंडिविजुअल पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ 18th सेंचुरी मॉरल आइडियल्स वाज हर कंसर्न. ठीक है, एक इंसान की सेल्फ एनलाइटमेंट की बात करती है वो ऑन द बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ हर नॉवल. दिस फैक्ट इज एविडेंट फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डार्सी एंड एलिजाबेथ. Both developed the pride and prejudice towards each other. But when they analyze the things properly, they are able to discover themselves and one and other. Basically, she emphasizes on manners. Actually, वो किस पे emphasize कर रही थी? Manners के ऊपर emphasize करती है. क्यों? असल में both develop करते हैं, दोनों के अंदर develop होता है pride भी और prejudice towards each other. ठीक है? बाज़ औक़ात हमारे अंदर वो पर्सनैलिटी क्लैश आ जाता ना, तो क्या होता है कि हम वही बात फिर वही सेल्फ जजमेंटल वाली आ जाती है ना, इतने ज़्यादा सेल्फ जजमेंटल हो जाते हैं कि अगले बंदे का जो व्यू पॉइंट है वो हम नहीं देखते. ठीक है, हमें ये लगता है कि ये बंदा ही ऐसा, तो दैट इज़ द थिंग कि हम लोग, हमारा जो प्राइड होता है वो इंसान का जो तकब्बुर होता है एक्चुअली वो ही क्लाउड कर जाता है उसके माइंड पे और फिर वो जो है एक प्रिजुडाइज यानी कि उसकी जजमेंटल पार जो होती है वो उसी हिसाब से उसको लेके जा रही होती है कि इस इंसान को किस तरीके से जज करना है. अब शी आल्सो क्रिटिसाइजेस डायरेक्ट प्रीचिंग इन प्राइड एंड प्रिजुडाइज. अब उसने कोई जो है डायरेक्ट प्रीचिंग नहीं की Pride and Prejudice में. Mary is bookish type of girl who believes in direct method of preaching. और Mary जो होती है वो उसके अंदर bookish type of girl होती है, यानी कि ये भी Bennet sisters में से एक sister होती है जो कि third number पे होती है और वो जो है believe करती है in direct method of preaching. ठीक है, लेकिन जो Jane Austen है वो इसको पसंद नहीं करती. Her views and personality are criticized in such a manner that writer's own view about them मैटर आर रिवील्ड. और उसके अपने व्यू और पर्सनैलिटी इतने ज़्यादा क्रिटिसाइज होते हैं इन सच अ मैनर कि राइटर के अपने व्यूज अबाउट द मैटर आर रिवील्ड. कि एक्चुअली जेन ऑस्टन डायरेक्ट प्रीचिंग के खिलाफ थी, उसने मैरी का एक कैरेक्टर जो है वो बनाया नावल के अंदर और उस नावल के अंदर उसने उसको मैरी के कैरेक्टर को एक्चुअली क्रिटिसाइज किया कि डायरेक्ट प्रीचिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैरी जो है वो एक बुकिश लड़की थी और वो हर चीज़ में डायरेक्ट प्रीचिंग करती थी. बाज़ औक़ात जब हम बहुत ज़्यादा बुकिश हो जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा जो है हम किताबी ही हो जाते हैं, एक्चुअली फिर हम प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में नहीं सोचते. तो प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में किताब को पढ़ने के बाद जो है एक प्रैक्टिकल लाइफ जो है उसको व्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. अगर सही बताऊं तो जो चीज़ किताबों में लिखी होती है ना, जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है बेटा, वो उससे कहीं आगे होता है. किताबों में बहुत कम लिखा होता है, किताबों में तो एक निचोड़ लिखा होता है, लेकिन जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ जो चीज़ सिखाती है वो किताबों से बहुत आगे होता है. ठीक है, तो एक्चुअली और फिर क्या होता है, जो लोग सिर्फ बुकिश होते हैं या किताबों तक महदूद रहते हैं तो या तो वो बहुत ज़्यादा बहस में पड़ जाते हैं या फिर वो टोटली एक बुकिश व्यू पॉइंट देते हैं, फिर वो ओवरऑल एक सर्कमस्टांसेस और फिर एनवायरनमेंट एंड दिस एंड दैट वो फिर ऑलराउंडेड व्यू पॉइंट नहीं दे पाते क्योंकि किताबों तक महदूद हो जाते हैं. तो सारा दिन किताबें पढ़ने वाले भी वो कुछ इसी तरह के होते हैं जैसा कि मैरी का कैरेक्टर था मिस्टर कॉलिंस. अब यहाँ पे एक्चुअली उसने प्रीचिंग को बड़ा जो है ना क्रिटिसाइज किया है. दूसरा जो कैरेक्टर था जो कि प्रीच कर रहा था वो मिस्टर कॉलिंस था, ठीक है, जो कि एक पॉम्पस फूल था. द कॉमिक फूल इज ऑल्सो कंडेम फॉर हिज डायरेक्ट मॉरलाइजिंग. ठीक है, ये जो अपनी डायरेक्ट प्रीचिंग और मॉरलाइजिंग की वजह से इसको भी बहुत ज्यादा कंडेम किया जाता था. द रिडिकुलस लेटर ऑफ कॉलिंस व्हिच ही रोट टू मिस्टर बेनेट क्रिटिसाइजिंग हिम
for his accepting Lydia and Wickham after their elopement gives us an idea about her moral vision. किसका मोरल विजन था ये? जेन ऑस्टन का मोरल विजन था, ठीक है? अब यहाँ पे वो जो रिडिकुलस लेटर था कॉलिन का, जो कि मिस्टर बेनेट, ही रोट टू मिस्टर बेनेट, जो कि वो मिस्टर बेनेट को लिखता है क्रिटिसाइजिंग हिम फॉर हिज एक्सेप्टिंग लिडिया एंड विकम, कि उसने लिडिया और विकम के जो मतलब भाग जाते हैं आफ्टर देयर अलॉपमेंट और वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसके मिस्टर बेनेट के पास और कोई चारा तो होता नहीं. तो इस चीज को जो है जो कॉलिन होता है वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता है. इनफैक्ट जेन ऑस्टन फॉलोड डियर डॉक्टर जॉनसन हु वाज अ मॉरलिस्ट बट प्रीच इनडायरेक्टली. और एक्चुअली जेन ऑस्टन जो है वो फॉलो करती है डियर डॉक्टर जॉनसन को, जो कि एक मॉरलिस्ट तो था लेकिन प्रीच करता था इनडायरेक्टली. एक्चुअली उसके यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि डायरेक्ट प्रीचिंग जो होती है ना, उसने उसको क्रिटिसाइज किया है. प्रीचिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि इंसान का जो है ना एक ताल्लुक हो दूसरे इंसान के साथ, ठीक है? डायरेक्ट प्रीचिंग आप नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को भी अगर आपने बात समझानी है तो बच्चे ऐसी मदर से भाग रहे होते हैं जो हर वक्त उनको बातें ही समझाती रहती है. एट फर्स्ट यू हैव टू बी फ्रेंडेड विद देम, आपको उनके साथ फ्रेंड बनना पड़ेगा, आपको उनकी हर एक्टिविटी में हिस्सा और पार्ट बनना पड़ेगा, आपको उनको शो करना पड़ेगा बेटा आई एम द पार्ट ऑफ योर लाइफ. आफ्टर दैट वो आपकी बात सुनेगा. ऐसे कोई किसी की बात नहीं सुनता, और ये तो अपनी औलाद की बात है तो फिर बाहर के लोग कैसे सुनेंगे. तो ये है जो उसने डायरेक्ट प्रीचिंग को जो है उसने क्रिटिसाइज किया था. इसमें एक बहुत छोटी सी मिसाल दूंगी आप लोगों को कि बेटा जब हम थोड़ा सा भी इन सीख लेते हैं ना, तो एक्चुअली हम लोग अपने ऊपर लेबल लगा लेते हैं कि शायद हमने ही सारी दुनिया को सही करना है. तो दैट इज द रॉन्ग वे, दैट इज द रॉन्ग वे. सिर्फ वहां पे नसीहत की जाती है जहां पे जरूरत होती है. हर जगह नसीहत और अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होता, जरूरत के तहत उसका बात का इस्तेमाल होता है. कॉलिंस और मैरी जो है एक्चुअली ये दोनों डायरेक्ट प्रीचिंग करते थे, यानी कि जहां पे जरूरत है या नहीं है. बिकॉज कॉलिन जो था वो वैसे ही एक क्लर्जी मैन था, यानी कि चर्च से ताल्लुक रखता था, और मैरी बुकिश थी, हर वक्त बुक्स पढ़ती रहती थी. तो दैट्स वाई उनको ये लगता था कि हर जगह ही वो प्रीचिंग शुरू हो जाती थी. तो अगर ये चीज हो जाए तो फाइनली क्या होता है कि जो आपके अपने रिलेशंस होते हैं, आपके अपने फ्रेंड्स होते हैं, वो आपसे भागना शुरू हो जाते हैं. तो डायरेक्ट प्रीचिंग की बजाय इनडायरेक्ट प्रीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. यानी कि आप एक बात कर रहे हैं और उसके बाद आप उस बात से जो है एक बात निकाल लें, ठीक है? तो दैट इज द इनडायरेक्ट प्रीचिंग. तो इनडायरेक्ट प्रीचिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है. जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे प्रीच करते थे सहाबा किराम को, कि एक सहाबी के अंदर कोई गलती देखते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्टली उसे नहीं कहते थे कि तुमने गलत किया. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे कि एक महफिल में बैठ के जनरल व्यू पॉइंट के हिसाब से बात करते थे, ताकि उन सहाबी को भी पता चल जाए और बाकी जो जितने हैं वो भी इस तरह की गलती ना करें, ठीक है ना? ऐसे करते थे ना. और जो है हजरत अली ने कहा ना कि अगर तुमने अपनी औलाद को सबके दरमियान में डांट दिया तो तुमने उसको बिगाड़ दिया, और अगर तुमने अकेले में उसको नसीहत, यानी कि सबके दरमियान अगर उसको नसीहत की तो तुमने उसको बिगाड़ दिया, और अगर तुमने अकेले में उसको नसीहत की तो तुमने उसको सवार दिया. तो हमेशा प्रीचिंग जो है या तो अकेले में होती है, और अगर सबके दरमियान होती है तो फिर नाम लेके नहीं, ठीक है? तो दीज आर द इनडायरेक्ट प्रीचिंग जो कि जेन ऑस्टन ने जो है कहा था कि नहीं, डायरेक्ट प्रीचिंग नहीं होनी चाहिए. फिर वो कहती है थीम्स ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडाइस गिव्स एन अकाउंट ऑफ हर मोरल विजन. अब अगर थीम्स को देखा जाए, ये तो हमने कैरेक्टर्स और प्रीचिंग के बारे में देख लिया. थीम्स ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडाइस जो है वो एक अकाउंट ऑफ मोरल विजन देता है. The effect of bad upbringing on family and particularly on children is one of the themes in Pride and Prejudice.
The indifference of Mr. Bennet, who used to avoid all the responsibilities of father, is criticized, though not directly. Mr. Bennet had confirmed himself in library as he wanted to get rid of nonsense of Mrs. Bennet. अच्छा जी, उसके बाद जो है ये जो इनडिफरेंस ऑफ है ऑफ मिस्टर बेनेट का, जो कि यूज करता है टू अवॉइड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फादर, इज क्रिटिसाइज, यानी कि अब यहाँ पे बैड अपब्रिंगिंग की भी बात हो रही है ऑन द फैमिली एंड पर्टिकुलरली ऑन चिल्ड्रन इज वन ऑफ द थीम. ठीक है कि पढ़े लिखे लोग, ये जो बेनेट था ये पढ़ा लिखा था, और मैंने कई पढ़े लिखे लोगों के बच्चे देखे, बड़े ही बदतमीज होते, बहुत ही बदतमीज होते हैं, पीएचडी लेवल के बच्चों के लोगों के बच्चे, इंजीनियर्स के बच्चे, और अच्छी खासी एलीट क्लास के बच्चे बड़े बदतमीज होते हैं. और वो क्या होती है, वो इफेक्ट है एक बैड अपब्रिंगिंग का ऑन द फैमिली एंड पर्टिकुलरली ऑन द चिल्ड्रन, इज वन ऑफ द थीम इन ब्राइट एंड ब्यूटीफुल. द इनडिफरेंस ऑफ मिस्टर बेनेट, जो कि यू अवॉइड कर रहा होता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ फादर जो है उसको बहुत ज्यादा अवॉइड कर रहा होता है, और उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, दो नो डायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन मिस्टर बेनेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एज अ फादर उसको निभानी चाहिए थी, कि वो बेटियों का बाप था और उसको निभानी चाहिए थी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसको अपनी बेटी को नहीं इजाजत देनी चाहिए थी कि वो कहीं पर भी जाके रहे, और वो नहीं अपनी बेटियों के मैटर्स में और अपनी बच्चियों के मैटर्स में इन्वॉल्व होता था, बल्कि वो अपने एक कमरे तक ही महदूद रहता था. तो यहाँ से अगर देखा जाए तो वो जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ फादर नहीं निभाता था. मिस्टर बेनेट हैज कन्फाइंड हिमसेल्फ इन द लाइब्रेरी, सिर्फ उसने अपने आप को लाइब्रेरी तक महदूद कर लिया था. हम भी अपने आप को सिर्फ डिग्री तक महदूद कर लेते हैं कि जी हमने जो है डिग्री ले ली है तो इट मींस कि हमारे बच्चे भी सुधर जाएंगे, पैसा आ गया तो सिटी स्कूल में और ब्रिटिश स्कूल में भेज दिया, तो क्योंकि हम 20,000 25,000 50,000 फीस दे रहे हैं तो हमारा बच्चा भी सुधर जाएगा. जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट है, हम चार पैसे लगा के और एक डिग्री लेके ये समझते हैं कि वो पूरी हो गई. एज ही वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ द नॉनसेंस ऑफ मिसेस बेनेट, क्योंकि वो जो है नॉनसेंस ऑफ मिसेस बेनेट से भागना चाहता था, इस वजह से वो लाइब्रेरी तक महदूद हो गया. द इफेक्ट ऑफ दिस एटीट्यूड इज दैट लिडिया एंड किटी बिकम्स फ्लर्ट्स, और उसका एटीट्यूड का ये असर हुआ कि लिडिया और किटी जो है वो दोनों, यानी कि दोनों जो छोटी बहन होती है ना, दोनों छोटी बेनेट सिस्टर्स होती हैं, वो दोनों फ्लर्ट्स बन जाती हैं. एंड द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ ऑल दिस इज एलॉपमेंट ऑफ लिडिया, और जो अल्टीमेट रिजल्ट था इसका वो क्या था, एलॉपमेंट ऑफ लिडिया था, कि लिडिया फाइनली भाग जाती है. अब यहाँ पे देखें कि एटीट्यूड, देखें उसने बहुत डीप यहाँ पे मीनिंग्स बता दिए. अब देखें मियाँ बीवी की लड़ाई में सबसे ज्यादा बच्चे पिसते हैं, दोनों के आपस के क्लैश की वजह से दोनों ही बच्चे छोड़ देते हैं, दोनों ही अपने अलग-अलग कमरों में बंद हो जाते हैं और दोनों ही बच्चों को कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने ये किया और तुम्हारे बाप ने ये किया. और ये चीज मैंने कई फैमिलीज के अंदर, जिसकी वजह से बच्चों की पर्सनैलिटीज बड़ी डिस्टर्ब होती है, एक ही घर के अंदर रह रहे होते हैं और बच्चों के साथ जो बिहेवियर होता है पेरेंट्स का, दैट इज रियली वेरी, मतलब बिल्कुल भी नहीं सोचते. बेटा मेरा एक छोटी सी मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, माएँ हैं, या अगर दोनों में से एक भी कॉम्प्रोमाइज करता है ना, बच्चे सुधर जाते हैं. और ये सोच के कॉम्प्रोमाइज कर जाए कि बच्चे सुधर गए ना, चाहे फिर उसके हैं या मेरे, फिर अपने ही बच्चे, दोनों के ही है ना, तो एट द एंड बच्चों की जरूरत होती है इंसान को आखिर में. अभी हम जवान हैं, ठीक है, बच्चे कमजोर हैं, कल को बच्चे जवान हो जाएंगे, हम कमजोर हो जाएंगे. और ये जिस एज में मिस्टर बेनेट की और मिसेस बेनेट की ये दो बेटियां जो हैं फ्लर्ट्स हो जाती हैं और एक लड़की उनकी बेटी भाग जाती है, इस एज में जाके जब इंसान कमजोर होता है, किसी भी चीज को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है, और इंसान जो भी करता है जिंदगी में वो एंड में जाके जरूर काटता है,
और जब हमारी जवानी होती है ना तो हमें ये लग रहा होता है जवानी कभी खत्म नहीं होगी, हम पता नहीं क्या क्या कुछ कर लेंगे, बट द बेसिक थिंग टू डेवलप द रिलेशनशिप, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो हमारे बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारी यूथ है, इसको टारगेट करने की बजाय जो है हम बहुत और चीज़ों में पड़ जाते हैं, दैट इज द थिंग। तो फाइनली क्या होता है कि हमारी जो अपब्रिंगिंग है ऑफ चिल्ड्रन वो एक साइड भी हो जाती है और हम और चीज़ों में पड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर आर मैनी मैनी लेडीज जो कि सिर्फ इसलिए एम ए इंग्लिश लिटरेचर करना चाहती हैं ताकि वो अपने हस्बैंड को ये बता सकें कि हम पढ़ गई हैं। पता नहीं ना, जिसने पहले नहीं माना वो अभी भी नहीं मानेगा, ठीक है। तो देर आर मैनी मैनी थिंग्स बेटा, किसी को पढ़ाने के लिए आपको डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, या किसी को बताने के लिए आपको डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। अगर डिग्री लेनी है तो अपने आप को सेल्फ ग्रूम करें। जब आप बोलेंगे ना तो पता चलेगा कोई पढ़ा लिखा बंदा बोल रहा, और जब आपकी औलाद बिहेव करेगी तो पता चलेगा किसी पढ़े लिखे की औलाद बिहेव करती, वहां से आपकी डिग्री मैटर करेगी, फिर वहां से पता चलेगा, वहां पे फिर आपसे लोग आगे पूछेंगे हमें बताएं तो सही आपकी डिग्री कितनी है, कितना पढ़ी हुई है आप। तो बेटा आपके मैनर्स बताते हैं कि, और इवन आपके बच्चे बताते। अब यहाँ पे द रिजल्ट ऑफ द अनफॉर्चुनेट रेस, अब यहाँ पे क्या है कि जो पेरेंट्स की जो एक जैसे कहना चाहिए ना, एक अनअटेंडेड एटीट्यूड, माँ ने कह दिया मैंने रोटी हांडी पका ली तो जी मेरा सारा वो फर्ज अदा हो गया, और बाप ने कहा कि जी मैंने कमा लिया तो मेरा फर्ज अदा हो गया, दैट इज द वेरी रॉन्ग एटीट्यूड ऑफ द पेरेंट्स। हम पेरेंट्स का पे अल्लाह ताला ने ये फर्ज नहीं किया कि जी माँ ने हांडी रोटी पका ली और तीन टाइम पे भर लिया बच्चे का। माँ पे अल्लाह ताला ने पेरेंट्स पे जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है वो औलाद की तरबियत की है। और ये जो हमारा अनअटेंडेड एटीट्यूड है कि बच्चों को ओपन छोड़ देना चाहिए, वो जो मर्जी देखें ये भी कर लें वो भी कर लें, अगर हम उनको ये नहीं करेंगे तो वो जो है उनके अंदर इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। देयर आर मेनी मेनी थिंग्स। हम अपनी जान छुड़ाने के लिए हम अपने बच्चों के हाथों में टैबलेट्स दे देते हैं, मोबाइल्स दे देते हैं। तो दीज आर द थिंग दैट इज द अनअटेंडेड एटीट्यूड जो कि हम बच्चों के साथ करते हैं। द रिजल्ट ऑफ अनफॉर्चुनेट रेस ऑफ मैरिज सीकिंग इज एन अदर मॉडल ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडाइस। अब एक और चीज जो हमें यहाँ पे नजर आती है वो है रिजल्ट ऑफ अनफॉर्चुनेट रेस ऑफ मैरिज सीकिंग। एक अनफॉर्चुनेट ऑफ मैरिज सीकिंग के हर वक्त शादी के इंतजार में बैठे रहना इज एन अदर मॉरल ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडाइस। ये एक और मॉरल है प्राइड एंड प्रेजुडाइस का। द वीमेन ऑफ द एंटायर लोकेलिटी वर इन हंट ऑफ अ मैन इन पोजेशन ऑफ अ गुड फॉर्च्यून। हमेशा जो है विमेन जो है वो एक एंटायर लोकेलिटी वो हमेशा किस इंतजार में रहती है के पोजेशन ऑफ अ गुड फॉर्च्यून। मिसेस बेनेट वांट्स ऑल ऑफ हर डॉटर मैरिड इवन एट द कॉस्ट ऑफ देयर फ्यूचर। दिस क्रेज अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन लिडियाज एलॉपमेंट। बाज़ औक़ात पेरेंट्स शादी कर देते हैं बच्चियों की और बस वो शादी ही होती है, उससे ज्यादा वो नहीं देखते कि बाज़ औक़ात मैंने ऐसी ऐसी मैरिजेस देखी हैं कि पेरेंट्स को पता भी था कि वो लड़का जो है वो इस तरह का है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी कि बस बेटी की शादी हो जाए बस किसी तरह, और उसके बाद बेटी को ये कह दिया जाता है कि भाई तुम अब तुमने ही गुजारा करना है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि वो कहते हैं कि तुमने गुजारा कर देना है, लेकिन पता होने के बावजूद सिर्फ ये कि बस मेरी बेटी की शादी हो जाए, तो पेरेंट्स बाज़ औक़ात जान छुड़ाने के लिए भी बेटियों से वो शादी कर देते हैं। और हमेशा और बाकी यहाँ पे वो जो है एक और चीज जो देखी गई है, तो पेरेंट्स का एक मिजाज है ना कि जी बस जल्दी से बेटी की शादी हो जाए, अच्छी बात है, एक फर्ज है। तो दूसरी तरफ जो है वो क्या चाहता उसके अंदर एक क्रेज था कि वो बस किसी भी तरह से, यहाँ तक कि वो एलिजाबेथ की शादी जो है कॉलिन जो कि एक पॉम्पस फूल था, और जो मिसेस बेनेट होती है वो एलिजाबेथ की शादी कॉलिन के साथ करना चाहती है, या अपनी एक बेटी की शादी कॉलिन के साथ करना चाहती है, जो कि बिल्कुल ही एक बेवकूफ़ किस्म का इंसान होता है। किस वजह से कि सारी जायदाद कॉलिन के पास चली जाएगी, इस वजह से। तो दीज आर द थिंग्स कि वीमेन जो है वो हमेशा जो है एक द वीमेन ऑफ द एंटायर लोकेलिटी वो हंट में है इन अपोजिशन ऑफ अ गुड फॉर्च्यून।
और भाई ये जो ड्रामास और ये सारी चीजें हमेशा हमारे इर्द गिर्द यही देखा जाता है जब शादी की जाती है कि जो लड़का है वो उसकी उसका वो अच्छे स्टेटस का मालिक हो, एक्चुअली जहां पे देखा जाता है उसका स्टेटस देखा जाता है, रादर देन के उसको ओवरऑल देखा जाए या उसको मोरली देखा जाए कि वो कितना हम्बल है या क्या है। तो सिर्फ उसके पैसे को देख के जो है, यानी कि कॉलिन को, कि ये बाद में सारी जो जायदाद है उसका मालिक हो जाएगा, तो उसकी जो मिसेस बेनेट है या मिस्टर बेनेट है वो यही चाह रहे होते हैं कि उनकी एक बेटी की शादी जो है उसके साथ हो जाए, कॉलिन के साथ। अ कंट्रास्ट बिटवीन गुड मैरिज एंड बैड मैरिज इज क्रिएटेड। अब इस पूरे नॉवल के अंदर एक कंट्रास्ट पैदा हो गया गुड मैरिज और बैड मैरिज के दरमियान। By this contrast, Jane Austen shows that marriage is not the product of mere good possession. और इस कंट्रास्ट के तहत जेन ऑस्टन ये शो करती है कि मैरिज जो है वो कोई नहीं है प्रोडक्ट ऑफ मेयर पोजेशंस। पोजेशंस किसे कहते हैं? कि जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास स्टेटस है, बहुत ज्यादा पैसा है, तो आपकी मैरिज लाइफ भी, मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी होगी। इन केस ऑफ लिडिया एंड विकम, इट इज नाइदर बेस्ड ऑन शियर प्रूडेंस। और अगर हम लिडिया और विकम केस में देखें तो ये तो नाइदर बेस्ड है ऑन शियर प्रूडेंस, और इन केस ऑफ शार्लोटे एंड कॉलिंस। और इसी तरीके से शार्लोटे एंड कॉलिंस के बारे में देखें, शार्लोटे कौन थी? एलिजाबेथ की फ्रेंड थी, और लिडिया विकम की शादी जो थी, यानी कि जो भाग के इन्होंने शादी की थी, तो ये तो जो है क्या है कि ये तो कोई कन्वीनियंट मैरिज ना हो ना। तो इट इज नाइदर बेस्ड ऑन शियर प्रूडेंस इन केस ऑफ शार्लोट एंड कॉलिंस। इन फैक्ट एस्टीम, गुड सेंस एंड म्यूचुअल अफेक्शंस आर राइट इंग्रेडिएंट्स ऑफ सक्सेसफुल मैरिज। हमेशा गुड सेंस और म्यूचुअल अफेक्शन ये एक्चुअली राइट इंग्रेडिएंट्स हैं ऑफ अ सक्सेसफुल मैरिज के। सो मैरिज बिटवीन एलिजाबेथ एंड डार्सी इज अ गुड वन। द ट्रू प्रोटैगनिस्ट एट फर्स्ट फॉल इनटू द गल्फ ऑफ हेट्रेड, बट आफ्टर एवेल्युएटिंग देमसेल्व्स एंड ईच अदर दे कम टू कंक्लूजन दैट दे कुड मेक अ गुड कपल। सच थिंग्स आर लाइक आर शोन इन सच एन इनडायरेक्ट वे दैट द मोरलाइजिंग गोज अननोटिस्ड। जेन ऑस्टन लेज एम्फेसिस ऑन द नीड ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड बैलेंस। और जेन ऑस्टन जो है वो एम्फेसिस करती है नीड ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, कि इंसान को सेल्फ कॉन्शियस होना चाहिए और बैलेंस होना चाहिए। मैनी एंटी सोशल एलिमेंट्स सच एज जेलसी, हिपोक्रेसी, वैनिटी, हेट्रेड, प्राइड एंड द प्रेजुडाइस वर्क अगेंस्ट सोशल हैप्पीनेस। ये सारी चीजें जो है ना सोशल हैप्पीनेस के अगेंस्ट एंड ट्रैंक्वलिटी, सुकून के अगेंस्ट। ट्रैंक्वलिटी कहते हैं दिमाग के सुकून को। तो ये सब जो है एक्चुअली सोशल हैप्पीनेस और ट्रैंक्वलिटी के अगेंस्ट जो है वो वर्क करती है। देखिए ये सब एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जिसमें हमारी जेलसी आ जाती है, हिपोक्रेसी आ जाती है, ऊपर से कुछ बाहर से कुछ, वैनिटी आपका प्राइड को कहते हैं, तकब्बुर को, बहुत ही ज्यादा फख्र होना, हेट्रेड प्राइड। हम कहते हैं ना कि हम जो है एक सेल्फ जिसे कहना चाहिए क्रिएटर, क्या कहते हैं उसको, एक वर्ड है कि जी हम जो है पता नहीं, अक्सर लोग कहते होते हैं अगर थोड़ा सा भी ऊपर चले जाते हैं तो वो एक वर्ड कहते हैं कि मैं बहुत सेल्फ, पता नहीं क्या मेरे जहन से वर्ड निकल गया, चले आके चलते हैं फिर देखते हो याद आता तो। The word cause of antisocial element is the lack of consciousness. और ये जो root cause है antisocial element का वो lack है of consciousness, कि हमारे अंदर consciousness का lack होता है। In the individual and the social good, in the individual that social good must be put before the individual. एक social good जो है वो individual interest के सामने रखनी चाहिए। अच्छा root cause of antisocial elements क्या है? Actually हमारे अंदर consciousness की कमी होती है। हम कॉन्शियस नहीं होते अबाउट द थिंग्स। हम कॉन्शियसनेस यहाँ पे अवेयरनेस के मीनिंग में आ रही है। हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती, अगर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती तो हम बुराई को पहचान नहीं पाते। एक्चुअली ये हमारे ही अंदर की जेलसी, हिपोक्रेसी, वैनिटी, हेट्रेड और प्राइड होता है और प्रेजुडाइस होता है जिसकी वजह से हम लोगों को ऐसा समझ रहे होते हैं।
हम खुद एक्चुअली सेल्फ अवेयर नहीं होते, ठीक है। हम खुद अगर सेल्फ अवेयर होंगे, अगर हम सेल्फ कॉन्शियस होंगे, तो हम अपने आप को ग्रूम भी करेंगे, हम अपने आप को मेंटली ग्रूम भी करेंगे। लेकिन ये एंटी सोशल एलिमेंट्स ऐसे हैं कि इंसान के जहन के ऊपर ऐसे क्लाउडेड हो जाते हैं कि इंसान को फिर अच्छा और बुरा नहीं नजर आता। फिर उसका सिर्फ ये नजर आता है कि मैं जो हूँ ना, बस मैं ही मैं हूँ, और जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तो शार्लोटे कॉलिंस एंड विकम गो टू वन एक्सट्रीम एज द सोशल पोजिशन एंड फॉर्च्यून आर मोर इम्पोर्टेंट टू देम देन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड वैल्यूज ऑफ लाइफ। और इस वजह से शार्लोटे कॉलिंस और विकम जो है एक्चुअली वो इस एक्सटेंट तक चले जाते हैं ऑफ सोशल पोजिशन एंड फॉर्च्यून के उन दोनों के लिए सोशल पोजिशन और फॉर्च्यून ज्यादा इम्पोर्टेंट थी देन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड वैल्यूज ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट किस तरीके से, यानी कि शार्लोटे की अपनी फ्रेंड ने जिस प्रपोजल को रिजेक्ट किया था, यानी कि एलिजाबेथ ने जिस प्रपोजल को रिजेक्ट किया, शार्लोटे उसकी बेस्ट फ्रेंड होने के बावजूद उसी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। डार्सी डिपेंड्स मच मोर ऑन इंडिविजुअल जजमेंट एंड वैल्यू देन ऑन सोशल व्यू। वो जो है ज्यादा डिपेंड करता है ऑन इंडिविजुअल जजमेंट पे, और वो वैल्यू करता है देन ऑन सोशल व्यू। In this treatment of Bingley or even Wickham, he is honest to himself and he thinks his judgment to be final. Elizabeth, who is an intelligent lady, is also sure that her judgment is reliable. By the end, both of them yield to social view and have the real self-consciousness. That is why they are bound to be happy in their union. But Jane Austen was a realist and did not idealize the characters. Her heroes and heroines do have human qualities. For instance, although Elizabeth has wit and intelligence, yet she is blinded by prejudice and fails to understand the characters in reality. She upholds the organic unity of society and emphasizes on duty human beings owe to others. अब जो है वो uphold करती है organic unity of society को और emphasize करती है duty human beings owe to others. कि एक इंसान की जो duty होती है वो दूसरों के लिए कितना ज़्यादा owe करती है. She maintains that individual desires have to be subordinate to the large social good. वो कहती है कि हमारी अपनी जो individual desires है वो society की अच्छाई के लिए, society की good के लिए, social good के लिए उसको subordinate हो जाना चाहिए, ठीक है। हमारी अपनी desires जो हैं, मैं कहती हूँ ना, no man is an island, every person is the part of this society. तो बेटा सोसाइटी में अगर हम अपना रोल प्ले नहीं करेंगे तो इवल फैल जाएगा। हम तो इस हद तक जो है हम लोगों ने बुरे को बुरा कहना छोड़ दिया है कि अपने बच्चों को हम नमाज के लिए नहीं उठाते, ठीक है। ये तो फर्ज है ना पेरेंट्स पे कि अपने बच्चे को नमाज सिखाएं, उसको नमाज का आदि बनाएं, अगर वो 10 साल का हो के भी ना। लेकिन एक्चुअली जो हमारा सोसाइटी में रोल है ना, हमने उसको बिल्कुल छोड़ दिया। हम कहते हैं कि नहीं, ये हर बंदे का एक इंडिविजुअल मसला है और जो चाहे जो मर्जी करे, तो ये उसका मसला है, उसका मसला है, वो खुद ही डील करे, ठीक है। तो दैट्स व्हाई हम लोग सोशल गुड के लिए कुछ नहीं करते। और बेटा एक चीज याद रखिएगा, जो बुराई आज बाहर फैल गई है ना और उसको आज मैंने नहीं रोका, कल को वो मेरे घर के अंदर आएगी। क्योंकि जिस मुआशरे में बुराई फैली है उसी मुआशरे में मेरे बच्चों ने जाना है, और उसी मुआशरे से जिस मुआशरे को मैंने बुरा नहीं कहा, एटलीस्ट बुरा तो कह सकते हैं ना, जबान तो है ना, तो अगर मैंने उस मुआशरे को पॉइंट आउट नहीं किया तो मेरा बच्चा उसी बुरे मुआशरे से सीख के आएगा। और ये बुराई और अच्छाई अपने घर से स्टार्ट होती होती है, फिर वो मुआशरे में जाती है। ऐसे नहीं होता कि पहले ही मुआशरे के अंदर एक बुराई आ गई है, नहीं, सबसे पहले आपके घर से स्टार्ट होती है, उसके बाद मुआशरे में जाती है। तो बेटा आपने अगर मोहब्बत स्टार्ट की ना अपने घर से और मुआशरे में गई, तो उसी मोहब्बत वाले मुआशरे में कल आपके बच्चे ने जाना, मोहब्बत पलट के फिर आपके घर वापस आ जाएगी। और अगर आपने बच्चे को अच्छाई बुराई सिखा दी है ना, और आपने अपने बच्चे को चेक एंड बैलेंस में नहीं रखा, वो बच्चा उसी बुरे मुआशरे का बाहर जाएगा, मुआशरे का पार्ट बनेगा, और वो बुराई फिर पलट के आके दोबारा घर आएगी। तो इसलिए कहते हैं ना कि मोहब्बत बांटे तो पलट के आपकी तरफ आती है, और नफरत बांटे तो भी पलट के आपकी तरफ ही आती है।
तो दीज आर द थिंग्स, तो सोशल गुड के लिए हम कुछ नहीं करते. इवन लव इज टू बी अंडरस्टूड इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, यहाँ तक कि लव जो है उसको भी समझने की जरूरत है एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में. शी शोज थ्रू लिडिया एंड विकम हाउ सोशल हार्मनी कैन बी हर्ट बाय इररिस्पॉन्सिबल एक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल. क्या कहा, एवरी पर्सन इज द पार्ट ऑफ द सोसाइटी. अब वो सोशल हार्मनी कितनी ज्यादा हर्ट होती है जब एक ही इंसान जो है इररिस्पॉन्सिबल एक्ट होता है किसी भी एक इंडिविजुअल का. ठीक है, आप ये हम कहते हैं ना एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है. एक इंसान का गलत एक्ट जो होता है ना वो पूरे मुआशरे को हिला के रख देता है. अगर देखें अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा जो ग्रुप है अल्हम्दुलिल्लाह कितने आराम से चल रहा है, ऐसे ही है. तो मतलब मेरी हार्मनी जो है ना वो खराब हो जाती है. इस वजह से एक इंडिविजुअल का जो एक्ट होता है वो पूरी की पूरी सोसाइटी को खराब कर देता है. ठीक है, एंड हाउएवर डज नॉट मीन दैट वी शुड ब्लाइंडली फॉलो द एक्सेप्टेड सोशल बिलीव्स. वी मे हैव टू सैक्रिफाइस सोशल कन्वेंशन इफ द लार्जर सोशल गुड सो डिमांड. अब वो कहती है कि देखें हमें उन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उन सोशल कन्वेंशंस को जो कि इफ द लार्जर सोशल गुड्स सो डिमांड, कि अगर हमें सोशल गुड्स की खातिर जो ऐसी मेन ट्रेडिशंस हैं कन्वेंशंस हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा. दैट इज़ वाई एलिजाबेथ एंड डार्सी मैरी डिस्पाइट द सोशल प्रेशर एम्बॉडीड इन लेडी इन कैथरी. लेडी कैथरी जो है उनके सोशल प्रेशर के बावजूद जो है डार्सी एलिजाबेथ से शादी करता है. इन हर व्यू इंडिविजुअल क्लेम टू डू हैव प्लेस एज लॉन्ग एज दे डू नॉट डिस्टर्ब द सोशल हार्मनी. उनके व्यू उसके व्यू के मुताबिक जो है इंडिविजुअल को क्लेम करना चाहिए टू हैव देयर प्लेस एज लॉन्ग एज डू नॉट डिस्टर्ब द सोशल हार्मनी. जब तक कि अगर वो डिस्टर्ब नहीं कर रहे, यानी कि इन दोनों की शादी से कोई सोशल हार्मनी तो नहीं खराब हो रही जो लेडी कैथरीन बीच में आ रही. तो शी रिगार्ड्स मैनर्स एज मोरल इन माइक्रोकॉल. She judges her characters on the basis of self-command. She consider his just consideration of other knowledge of the heart and proper education. She thinks that error on account of faulty upbringing, the deviation from accepted code of manners, may result in unhappy consequences. In a word, she judges her characters on goodness of heart, sense, and taste. Jane Austen's conclusions are right and valid for all times and ages. Through her characters, she gives her views of life. Comedy arises from the conflict between illusions and reality, appearances and real act. She shatters the follies and illusions of mankind and make us know the truth. Thus, in her moral vision, in her emphasis on organic unity of society, in her style and craftsmanship, in her diction, in her avoidance of romantic elements such as individualism and beauty of nature, she is truly the last exquisite blossom of the 18th century. He is more a child of 18th century than a forerunner of the 19th century romanticism.